بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवेंथ योर सब्जेक्ट इज जनरल साइंस स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 47 हैव यू ओपन्ड योर बुक्स स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और उसके बाद हमने जो टॉपिक एंड किया था वो एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल पे ख़त्म किया था. आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है शेल्स और ऑर्बिट शेल्स और ऑर्बिट ये हमारा टॉपिक है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शेल्स और ऑर्बिट तो शेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस के गिर्द यानी एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसको हम शेल्स कहते हैं. ये न्यूक्लियस है और स्टूडेंट्स ये शेल्स हैं जो आपको नजर आ रहा है ये है शेल और ये क्या है शेल्स. ये वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं शेल्स. अब स्टूडेंट्स इसी तरह जो शेल्स हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह शेल्स हैं. जैसे देखिए 1 2 ये एक शेल है 2 3 एंड 4. तो स्टूडेंट्स साइंस में यानी केमिस्ट्री में इन शेल्स को कुछ नेम दिए गए हैं. अब उनके नाम क्या हैं तो शेल्स में फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं. क्या कहते हैं के शेल. सेकंड को एल एम देन फोर्थ को एन और इसी तरह सो ऑन ये चलते रहते हैं आगे. लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं के से. तो ये शेल्स के नेम हैं जो बताते हैं कि जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है एरिया उनमें शेल्स कितने हैं. वो के से स्टार्ट हो रहे हैं और सो ऑन आगे चलते जाएंगे. अब स्टूडेंट इसमें एक इंटीजर यूज हो रहा है एन.
एक इंटीजर है n। ये हमें n क्या बताता है, ये हमें उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा, शेल की पोजीशन के बारे में कि सेल जो है किस जगह पे मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल शेल, ये वाला शेल है तो इसकी पोजीशन क्या है, ये n1 कहलाएगा। फिर ये दूसरा शेल है, ये n2 कहलाएगा, ये n3, ये क्या कहलाएगा n4, इसी तरह सो ऑन आगे चलते जाएंगे। लेकिन इन शेल का नाम क्या बताया था मैंने आपको, k l m n। तो ये हो गए शेल के नेम और ये हो गई उनकी पोजीशन। तो स्टूडेंट्स अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है 2n2। जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n2, ये वो फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलेगा कि एक शेल के अंदर उसकी पोजीशन के लिहाज से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने आएंगे। जब हम उस इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा फिर एल शेल में कितने आएंगे, देन एम और उससे आगे सो ऑन। सो टेबल अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में और एन में। आप लोग बुक पर भी देखें और मैं आपको बोर्ड पर भी समझा रही हूं। तो जिस टाइम मैं बोर्ड पर टेबल बनाऊंगी तमाम बच्चों की कंसंट्रेशन बोर्ड पर होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेल, ठीक है। शेल के बाद वैल्यू ऑफ एन यानी उनकी पोजीशन, ये हो गया कॉलम। थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ नेम ऑफ द शेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेम ऑफ द शेल, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहला शेल कौन सा है, फर्स्ट शेल हमने कौन सा पढ़ा, के शेल, और उसकी वैल्यू क्या पढ़ी हमने, एन लोकेशन वो थी वन। इसी तरह सेकंड शेल, उसकी लोकेशन क्या है, टू, और वो शेल क्या है, एन। थर्ड एम, नेम ऑफ शेल क्या है, एम। देन नंबर फोर पे है फोर्थ, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, फोर्थ, और ये कौन सा शेल है, एन। अब स्टूडेंट हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2n2। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1, तो हम क्या करेंगे, हमने अब n की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और उसके बाद निकाल लेनी है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला लिखेंगे 2n2, 2, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो 1 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर में, आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 1 का स्क्वायर लेना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हमने n की वैल्यू पुट करनी है, देन हमें पता चलेगा कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अब पहले इसका स्क्वायर खत्म करें, वन वन ज़ा वन, टू वन ज़ा टू, इट्स मीन के फर्स्ट शेल में जिसका नाम के शेल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, टू। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, देखें
हीलियम का है, तो उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा हम नहीं उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट्स और शेल्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा और जो न्यूक्लियस के करीब शेल हैं उनका एनर्जी लेवल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लिहाज से फर्स्ट शेल जो कि के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। ओके, सेकंड देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला 2। अब यहां पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो अब हम इसको यहां पे पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब देखिए 4 × 2 = 8। तो स्टूडेंट्स l शेल में यानी के सेकंड शेल जिसका नाम l है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, राइट। देन कम्स थर्ड, थ्री को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आता है 9, 9 × 2 = 18। तो थर्ड शेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो है 18। उसके बाद फोर्थ है, अब फोर्थ की वैल्यू लगाते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 2 = 32। यानी के फोर्थ शेल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो है 32। तो स्टूडेंट फर्स्ट शेल जिसे हम के शेल कहते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल जो कि एल शेल कहलाता है उसमें 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एंड देन थर्ड जो कि एम शेल है, यानी ये शेल्स के नेम है, और उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो है 18। देन फोर्थ, फोर्थ में जिसे हम कहते हैं एन शेल उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एन का फिगर जो है इंटीजर के तौर पे यूज हुआ है और ये लोकेशन बताता है कि पहली लोकेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स की लोकेशन है वो क्या है। कम टू द पेज नंबर 48। हेयर आर सम स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, तो आपको मैं 1 by 1 यहाँ बुक में ही करवा रही हूँ। जो हमें मिनी एक्सरसाइज दी गई है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी साथ। तो आप ये देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन। इनमें से चंद स्ट्रक्चर्स मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, और ऐसा केस हो कि आपके शेल्स जो हैं वो फिल्ड हो गए हैं, यानी के शेल भी फिल हो गया है, एल भी फिल हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स अभी कुछ बच गए हैं तो उसे हम किस शेल में डालेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि जो एटम है उसमें जो हमारे शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है शेल्स में वो किस तरीके से होगी। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैग्नीशियम का। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आएगी। ये मैंने एक शेल ड्रॉ किया जिसको फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, के शेल। उसके बाद एल शेल, राइट, देन एम। अब ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे। तो प्रोटॉन इसके अंदर है 15 और न्यूट्रॉन है 16। स्टूडेंट्स क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो इसका फॉस्फोरस का, सॉरी ये फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है,
जिसमें 15 आपके पास जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, 16 न्यूट्रॉन हैं, और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 31। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमें इसका मास मिलता है 31, इसलिए जब हम इसमें से माइनस कर देंगे प्रोटॉन्स, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो न्यूट्रॉन्स की आएगी। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमने इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी क्या है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो हम ड्रॉ करते हैं, कि मैं ये डिफरेंट कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए 1, 2। के शेल की कैपेसिटी क्या थी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एल में कितने हैं, 8। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में कंप्लीट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप जरा काउंट करें कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 5। लेकिन एम शेल की कैपेसिटी क्या है, 18 की है। तो अगर एल शेल के बाद हमारे पास 18 के अंडर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो हम उनको एम शेल में डाल देंगे, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर हमारे दो शेल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो वो हम एम शेल के अंदर उनको डालेंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 15 और मास नंबर क्या है, 31, और पी किसको इंडिकेट कर रहा है, फॉस्फोरस को, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये है मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे दो ऑर्बिट का फिल होना जरूरी है, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उसको हम एम ऑर्बिट में और शेल में डाल देंगे, क्योंकि अगर तो वो 18 से कम है तो फिर हम उन्हें जो बच गए हैं पहले दो शेल कंप्लीट होने के बाद, तो उन्हें हम एम शेल में डालेंगे। हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फॉस्फोरस का था, अब हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिलिकॉन स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके यहाँ पर कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, मैं उन्हीं में से ही 2-3 स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करके जस्ट इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने अभी शेल्स के बारे में पढ़ा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। जैसे के, एल, एम और एन शेल, ये किस तरीके से जो है अपने उन शेल्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो उसको हम लोग किस में अकोमोडेट करेंगे। अच्छा जी, सिलिकॉन का सिंबल क्या है, Si, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है इसके, यानी कि एटॉमिक नंबर है 14 और इसका मास नंबर है 28। तो अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 14। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इतने हैं। अब हम इसके ऑर्बिट व शेल्स ड्रॉ करते हैं, के शेल, एल, एम। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को करना है पूरा उसी तरह जिस पैटर्न पे हमने
फॉस्फोरस का डिस्कस किया था, जैसे के शेल में ये के शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2, कंप्लीट हो गया। उसके बाद के बाद एल शेल, एल में कितनी कैपेसिटी है, 8 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, 2, 4, 6, 8, 9, 10। सो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो अब हम के बाद ये एल शेल भी हो गया, ये एम शेल है। अब जो बाकी के 4 बचे हैं हम उन्हें इन में इस शेल में डाल देंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह ये हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 14, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और इनका ये क्या है, एटॉमिक मास, और ये सिंबल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, मिनी एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमसे उन्होंने कहा है कि आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि मैंने फॉस्फोरस और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आगे उन्होंने हमसे जो स्ट्रक्चर्स कहा है वो है मैग्नीशियम, सल्फर और एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं आपके, इन्हीं के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे सिलिकॉन का भी। अब इसमें आप देखिए सल्फर का स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, पेज के एंड पर आपके लेफ्ट साइड पर लास्ट पे सल्फर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16 है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, 32। तो जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 आएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग शेल है उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह अगला जो स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम, ये भी आपको इसी पेज पर सल्फर से ऊपर एक स्टेप वहां पे मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 27 है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 13। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम लोग जब माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो हैं हमारे पास 14। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी शेल सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे एम शेल में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक असेसमेंट दी हुई है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो हम वो देखते हैं कि उसमें कौन से स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। सो लेट्स सी, सबसे पहले कार्बन एटम दिया हुआ है, कार्बन एटम। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसका वो लिखते हैं कि कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हमारे पास इसका एटॉमिक मास क्या है। सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, राइट? अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद हमारे पास शेल आ जाएगा, एक के शेल। अब के शेल की कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2। अभी हमारे पास इसके पूरे नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बनाएंगे, ये के शेल है, ये एल है। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर जाएंगे एल शेल में, 1, 2,
थ्री फोर। तो स्टूडेंट्स टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होगी, के शेल में 2 और जो एल शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, या अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है और उस लिहाज से हमने उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो एल शेल में हम 8 से लेस ले सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 तक है। तो 8 से कम आ सकते हैं इसमें, 8 से ज़्यादा एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है और उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं, देख लीजिए ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले इसका सिंबल, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। ये हो गया इसका न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8 एंड न्यूट्रॉन आल्सो 8, के शेल, एल, एम। तो स्टूडेंट्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, ठीक है। उसके बाद एल शेल में कितनी कैपेसिटी है 8 की है, तो इसमें हम कितने पूरे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स हमें एम शेल में जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो थी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो हमारी के और एल में ही पूरी हो गई है, के और एल। तो ये एम शेल जो है वो नहीं होगा यूज। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्टूडेंट इसी तरह ये इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और ये हमारे पास इसका मास नंबर है, ये सिंबल है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, आपने इसी तरह इनको बनाकर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन, इसका यहाँ पे सिंबल लिखा है, उसके बाद उसमें कितने एटम मौजूद हैं यानी कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसके अलावा यहाँ पे इसका मास नंबर जो कि हमें पता है कि हमने उसे किस तरह फाइंड आउट करना है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो लेट्स सी पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इसकी भी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बारे में कि ये है क्या वो हम लोग जानते हैं, और इसमें कुछ फैमिलीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियोडिक टेबल क्या है? स्टूडेंट्स, एलिमेंट की अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। यानी कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर एक टेबल के अंदर अरेंज कर देना क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, उस लिहाज से एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। जो टेबल में हमें पता लग रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बुक में देखिए, पेज नंबर 49 पर आपके लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। अब पीरियोडिक टेबल में दो कैटेगरीज है ना, पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम क्या कहलाएंगे? ग्रुप। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लुक एट योर बुक, पेज नंबर 49। आप देखिए, इसमें पीरियड्स लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो टोटल पीरियड्स हैं वो कितने हैं? 7। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो पीरियड्स हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रोज में, वो हैं 7। और ग्रुप्स कितने हैं? 18, जो कि वर्टिकल कॉलम में अरेंज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, पीरियड्स में मैं नेम बोल रही हूँ, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में अपनी बुक में देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। आप देखिए, यहाँ से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखी हुई है, जहाँ पर लिखा है पीरियड्स, ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमने चलना है लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लिखे हैं इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। आगे ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं, आगे चलते जाए 18 तक, तो हमारे पास जो है ना वो ग्रुप आ जाता है। जैसे यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट टू राइट जो चलेंगे वो है पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या है? पीरियड्स। तो स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक में देखें तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी कि 1 और 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, ये दोनों जो हैं वो शॉर्ट पीरियड में आएंगे। यानी जो फर्स्ट पीरियड है उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उसमें कितनी कैपेसिटी है एटॉमिक नंबर की? 2। यानी जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितनी कैपेसिटी है? 2 एटॉमिक, मतलब उसमें नंबर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्वियसली, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है?
स्टूडेंट्स सेकंड जो है वो नॉर्मल पीरियड कहलाता है क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये 3 से लेके 10 तक इसमें रेंज है एटॉमिक नंबर की। थर्ड पीरियड उसमें भी 8 हैं और उसमें जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो 11 से 18 तक है। इसी तरह फोर्थ पीरियड पर देखते जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जाएगा। फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह फिफ्थ पीरियड है जो इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसी तरह सिक्स और देन सेवन। तो स्टूडेंट सिक्स और सेवन में 32 एलिमेंट्स हैं, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, राइट। तो स्टूडेंट्स पीरियड्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, अगर हम उसे लेफ्ट टू राइट देखें तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड जिसे हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं वो 8 है, थर्ड में भी 8 है, इसके बाद फोर्थ में हम जिसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं उसमें 18 एलिमेंट हैं, इसी तरह फाइव में भी 18 है, देन सिक्स और सेवन को हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल की जो है ये बहुत एक एलैबोरेटिव स्टडी है क्योंकि इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो जस्ट हम यहाँ पे पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि अभी हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ लिया। स्टूडेंट्स अब हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल कॉलम है वो कहलाता है ग्रुप, राइट, और हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप्स के बारे में मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि क्या है। ग्रुप्स स्टूडेंट जो पहला ग्रुप है जो स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, इसको कहते हैं अल्कली ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्कली। अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ऐश, और अल्कली कहते हैं वो मटेरियल जो पानी के साथ जब रिएक्शन करे तो हमें बेस दे, यानी कि हाइड्रोक्सल आयन दे, ये हमें हाइड्रोक्सल आयन देता है, ठीक है, यानी बेस देता है। तो इस लिहाज से ये एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं, इनकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है वो क्या कहलाता है? अल्कली ग्रुप, और ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ऐश, और अल्कलीज जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बेसिस देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, इसमें ये हमारे पास क्या है? बेस। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड ग्रुप देखिए जो स्टार्ट हो रहा है बेरिलियम से। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका सेकंड ए देखें वो कहलाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स ये ग्रुप की बात हो रही है। जैसे मैंने पीरियड्स में आपको बताया कि फर्स्ट टू ग्रुप्स कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड, यानी फर्स्ट टू जो एलिमेंट्स आएंगे पीरियड्स में वो कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड। इसी तरह फिर नॉर्मल, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। इसी तरह ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है वो अल्कली ग्रुप कहलाता है क्योंकि इसमें जो है हमें सारी जो वैरायटी है वो मिलती है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें बेसिस देती हैं। सेकंड ए ग्रुप है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, राइट, और उसके बाद देखिए जो येलो कलर का बीच में आ रहा है ना 3 to 12 अल्कली ग्रुप में क्या है आएंगे? वन ग्रुप है ये, और इसे वन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है।
वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल यानी जो आखिरी है शेल, लास्ट शेल फॉर एग्जांपल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिस वजह से भी इसको अल्कली ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिस वजह से इसे अल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। स्टूडेंट अगर हम मूव करें 3 to 12 जो कि आपको येलो कलर्ड में एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो ये तमाम मेटल्स कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स। स्टूडेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें अभी आप बड़ी क्लास में ना शेल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, स्टूडेंट शेल्स के अंदर भी सब शेल्स और ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सब शेल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि वो कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ, जैसे के एल एम एन पढ़ा था ना, ये शेल्स हैं और ये क्या हैं, सब शेल्स हैं, राइट। तो इनकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपने ये याद रखना है कि 3 to 12 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप में वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होता है, हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता फिल, राइट। उसके बाद अगर आप 13 पर देखें तो आपको मिलती है बोरॉन फैमिली, ठीक है, 13 पे क्या आएगा, बोरॉन फैमिली। 1 पे अल्कली, सेकेंड ग्रुप अल्केलाइन अर्थ मेटल, 3 to 12 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे ट्रांजिशन मेटल्स, देन 13 जो है ग्रुप हमारा उसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 3, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। उसके बाद आ जाएं 14 पर, 14 हमारा ग्रुप कहलाता है कार्बन फैमिली, क्या कहलाता है, कार्बन फैमिली, राइट। इसी तरह 15 जो है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16, जैसे जैसे अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, राइट, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था कार्बन का तो आपने उसमें देखा, इसी तरह 13, 14 हो गया। अब 15 क्या है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाएं 16 पर जो है ऑक्सीजन फैमिली, 16 क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। तो स्टूडेंट्स अब नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जो कि मैं फिर आपको करके बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर था जिसके प्रोटॉन्स थे 8 पी और एन, ठीक है, तो ये हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसका शेल आउटर मोस्ट ये है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें आप ये देखें कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑक्सीजन फैमिली जो भी है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होंगे, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखाया कि इस तरीके से। उसके बाद स्टूडेंट 17 पर हमारे यानी 17 ग्रुप में हमारे पास हैलोजन फैमिली आ जाती है। अब हैलोजन्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स हैलोजन मैं आपको बता रही हूँ कि हेल का मतलब होता है हैलोजन फैमिली में हेल कहते हैं सॉल्ट को,
हेलोजन, हेलो का मतलब सॉल्ट, हेलोजन्स में टू प्रोड्यूस। ये वो फैमिली है जो कि सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट्स की प्रोडक्शन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हेलो मीन्स सॉल्ट्स और जन्स टू प्रोड्यूस, और ये वो फैमिली है जो कि ऑक्सीजन के सॉरी सोडियम के साथ मिलकर जो है सॉल्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम हेलोजन कहते हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, राइट। और लास्ट ग्रुप, हमने जैसे पढ़ा कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 में से वन बाय वन मैंने आपको सबकी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। 8 हमारे पास आ जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। 18 क्या है, नोबल गैसेस, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पीरियोडिक टेबल था जिसमें पीरियड्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो पीरियड्स हैं उनको हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं कि उनमें कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 थे, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स थे, जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। इसी तरह 6 और 7 पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड इसी वजह से कहा जाता है कि उसमें 32 एलिमेंट्स हैं ईच रो। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप मैंने आपको बताया कि टोटल 18 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है अल्कली, ठीक है। सेकंड कहलाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और थर्ड से लेके 12 तक जो ग्रुप है उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है इसमें आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा कि कौन से जो है एलिमेंट्स क्या मेटालिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने सब शेल्स के बारे में आपको बताया कि उनका क्या रोल है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट, 3 से लेके 12 ग्रुप तक ट्रांजिशन मेटल्स हैं। 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली कहलाता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली आती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। देन 15 पे नाइट्रोजन फैमिली है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 16 पे है ऑक्सीजन फैमिली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। देन 17 पर हेलोजन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हेलो का मतलब है सॉल्ट, जन्स कहते हैं टू प्रोड्यूस, ये सोडियम के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं। तो ये वो फैमिली है, सॉल्ट फैमिली भी आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं। 18 पर नोबल गैसेस, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक थी वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी है कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक जो है रीडिंग वो हो गई है कंप्लीट, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और शेल्स एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड, राइट। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी रीडिंग के बाद यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट ये कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि हमने पढ़ा, और उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मौजूद हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और वो 2000 टाइम्स लाइटर हैं देन प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं एक एटम के न्यूक्लियस में वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है।
और जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो हमारे पास एक एटम का मास आ जाता है, मास, राइट। इसके अलावा वो एरिया जहाँ पर न्यूक्लियस के गिर्द, वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो उसके शेल्स कहलाते हैं, जैसा कि अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। और शेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल जो स्टार्ट हो रहा है वो के से स्टार्ट हो रहा है, के एल एम एन एंड सो ऑन। इसी तरह इसमें एक एंटीजर यूज़ किया गया है एन, जो कि हमें शेल की पोजीशन के बारे में बताता है कि शेल जो है वो किस पोजीशन पर मौजूद है। और फिर हमने उसमें एक उसकी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया 2N2, जिसके बाद हमें पता चला कि एक शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आएंगे। तो जब हमने उस फॉर्मूला को यूज़ किया तो हमें पता चला कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह 8 हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, के बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।